दादाजी मेरी चॉकलेट खत्म हो गई। अबे कितनी चॉकलेट खा रहा है पूरे दिन तू? पर चल कोई बात नहीं, ले आऊंगा मैं तेरी चॉकलेट मार्केट से, पर मेरी बात किसी को बता तो नहीं रहा तू? ठीक है बता दो मत बिल्कुल भी। हाँ चाय पिएगा? नहीं दादाजी मैं नहीं पीऊंगा चाय। ना पी रहे चाय मत पी, चाय गंदी चीज होगा। ठीक है दूध पिएगा ना, जूस पिएगा? ठीक है दादाजी। चल मैं पी लूं चाय एक कप। है पूजा? पूजा हाँ पिताजी। अरे बेटा हमें एक कप चाय पिलवा दो। पिताजी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कपड़े धुल रही हूँ, दीदी को बोल दो वो पिला देंगी चाय। चलो भाई हम तो दीदी को बोल दें। देख ले वैभव हमारे तो घर में बिल्कुल इज्जत रही नहीं भाई, तेरी मम्मी भी चाय को मना करके चली गई। चलो कोई बात नहीं तेरी ताई को बुलाता हूँ। मनीषा मनीषा अरे सुन लो भाई। जी पिताजी। जी पिताजी अरे इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, एक कप चाय पिलवा दो। पिताजी अभी तो मैं पोछा लगा रही हूँ और फिर सारा खाना भी मुझे ही बनाना है, आप पूजा से क्यों नहीं कहते चाय के लिए? भाई पूजा भी यही ताना मार के चली गई, हमें कपड़े धो रही हूँ फलाना कर रही हूँ, तू कुछ बता रही है वो कुछ बता रही है, मिल ली हमें तो चाय है, हमारी तो यू ही इज्जत रहेगी इस घर में। जाओ कर लो जो तब करना, देख ले भाई अब। दादाजी मैं बना के लाऊंगा आपके लिए चाय। अरे बेटा वाह तू तो मेरा प्यारा बेटा है, हैं? पोता तो तेरे जैसा। अब मैं तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा और ढेर सारे बादाम लाऊंगा, ठीक है? रोज जूस बनाया दूध में, रोज पिया, ठीक? दादाजी आपके घर में तो इज्जत ही नहीं रही। अरे वैभव बेटा ठीक कह रहा, पर मैं घर में इज्जत होती ना भाई। पिताजी क्या बात चल रही है दादा पोते की? अरे बेटा बात क्या चलती, तेरी बहू से चाय मांगी उसने मना कर दी, तेरी भाभी से चाय मांगी उसने नए बहाने कर दिए, अब दादा पोते कुछ तो बतलावेंगे भाई अपने दुख सुख की। अरे पिताजी ये तो आपका रोज का मुद्दा है, मुझे निपटना इन लफड़ों में, मैं तो ड्यूटी चला अपना, लेट हो रहा हूँ मैं तो। ले बेटा वैभव देख लिया तेरा बाप भी तेरी मम्मी का गुलाम बन गया, कैसे ताने मार के गया मुझे, ये कदर रहेगी हमारी अब बस। चलो कोई बात नहीं बेटा तू बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। है दादाजी अब आप देखो मैं आपकी कैसे सेवा करवाता हूँ। जितेंद्र को फोन लगाता हूँ क्योंकि मोटे पैसे का मामला है, अगर मेरे घर में पैसे आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। बेटा वैभव किसी को बताना मत जो बात मैं करूंगा, ठीक है? हेलो बिल्लू। अरे भाई तुम्हारे भैया कहाँ? जितेंद्र। अरे भैया काम ये है मैंने उन्हें 3 करोड़ रुपए रखने के लिए दिए, 2 करोड़ रुपए तो बिल्कुल सेफ अपने घर में रख देना। अच्छा। हाँ और 50 लाख रुपए रामदयाल की शादी है घर में, उससे मैंने वादा कर लिया था उसे पूछवाने हैं। हाँ और 50 लाख रुपए जो हैं वो जो प्लॉट देखा था हमने कश्मीरी गेट उस प्लॉट में बयान ना पूछा। अरे यार किसी को क्या पता, अरे भाई मामला मोटे पैसों का है, अगर बैंक में भी डालते हैं तो वहां क्या जवाब देंगे हम, पैसा कहां से आया, ये पैसा हमने 2 नंबर में लिया सारा। टेंशन ना लो तुम, टेंशन ना लो बिल्लू भाई, मैं अपने हिसाब से सब सेट कर दूंगा, ठीक है? और ऐसा करियो मुझे फोन कर लेंगे उन्हें भी समझा दूंगा मैं या अपने आप समझा दूं। और घर में सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। ठीक है भाई। दादाजी आपके पास 2 करोड़ है। बेटा वैभव ये बात किसी को बताना मत बाहर, ठीक है? और घर में अपनी मम्मी को भी मत बताना। बेटा मैं तुझे है ना चॉकलेट ला के दूंगा, ठीक है? दादाजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। अभी से कैसे दर्द होगा तेरा? मम्मी मम्मी। हाँ बेटा एक बहुत बड़ी बात बताऊं? हाँ बताओ।
दादाजी के पास 2 करोड़ है। दादू के पास 2 करोड़? तुम्हें कैसे पता ये बात? क्योंकि जब दादाजी बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया। अच्छा, वो फोन पे बात कर रहे थे? अच्छा, तो एक काम करना, ये बात अपनी ताई को मत बताना, ठीक है? मम्मी जी, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? ठीक है, जाओ जाओ जल्दी से। 2 करोड़? पर इसके पेट में दर्द कैसे हुआ? सुबह तक तो ये ठीक था। ताई जी, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है? इधर बैठ। क्या खबर है बेटा? पहले चॉकलेट दो, तब बताएगा। चॉकलेट? अब बताओ। दादू जी के पास 2 करोड़ रुपए है। है? 2 करोड़ रुपए? तुझे कैसे पता? ताई जी, मैंने दादू को फोन पे बातें करते सुना। अच्छा अच्छा बेटा, ये बात तो सही है, पर तू ये बात ना और किसी से नहीं बताना बिल्कुल भी। मैं और बहुत सारी चॉकलेट दूंगी आपको, है ना? ताई जी, अब थोड़ा पेट में दर्द कम है। ठीक है बेटू, मैं ना आपको ऐसी चॉकलेट देती रहूंगी, पर अब आप और किसी को बताना मत, ये बात है ना? ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। लो पिताजी, मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। अदरक वाली? हाँ जी। पी के बताओ कैसी बनी है। अरे पिताजी रुकिए, मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ, आप चाय पी रहे हैं, आप देख रहे हो आप कितने कमजोर हो गए। नहीं नहीं पिताजी, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, पहले चाय पियो। अरे नहीं पिताजी, आप दूध पियो। पिताजी आप चाय पियोगे? नहीं पिताजी, आप दूध पीजिए, आप बहुत कमजोर हो गए, मैंने इसमें बादाम डाले हैं। पिताजी चाय पियेंगे? पिताजी दूध पियेंगे। मैंने बोला चाय पियेंगे तो चाय पियेंगे। दूध पियेंगे पिताजी, चाय। समझ में नहीं आ रही पिताजी, दूध। अरे तुम दोनों चुप करो, रख तू भी दूध, मैं चाय भी पी लूंगा, दूध भी पी लूंगा, जाओ शांत करो। मेरी समझ में यूं नहीं आ रहा, चाय पीऊं या दूध पीऊं? कुछ दिन पहले पानी तक लाने से मुझे इनकार करते थे, आज चाय भी टाइम पे, दूध भी टाइम पे, समझ नहीं आ रहा ये सेवा हो क्यों रही है मेरी, पता नहीं ये माजरा क्या है। दादाजी कैसी सेवा चल रही है? अरे सेवा तो पूछे मत, अगर ऐसी सेवा चलती रही तो बस जिंदगी बहुत बढ़िया कटेगी, बहुत मस्ती की कटेगी भाई। ऐसी सेवा मैंने पहले कभी नहीं देखी, ये हुई तो हुई कैसे, यू मेरी समझ में नहीं आ। दादाजी ये तो आपके पोते का मास्टरमाइंड दिमाग है। अरे वाह बेटा, ऐसे तो मैं फिर से जवान ही हो जाऊंगा, मजा ही आ जाएगा फिर तो, बस ऐसी मास्टरमाइंड को लगाएगा। दादाजी जब तक मैं हूँ तब तक आप मजे ले। मजे लेते रहूं? अरे सुन तो बेटा, क्या दिमाग लगाया मेरे पोते ने, ऐसी क्या जड़ी बूटी घोल दी घर में इसने जो सबके दिमाग बदल गए। कृष्णा पिताजी, ये क्या हालत बना रखी आपने? हालत बढ़िया तो हालत है, देखिए शर्ट कितनी गंदी हो रही है आपकी। हैं? कल ही तो शर्ट पहननी है। नहीं आप मुझे उतार के दीजिए, मैं मशीन में धो के लाऊंगी। चल वैसे भी कर रही है। नहीं पिताजी, शर्ट मुझे दो, मैं हाथ से धुल के लाऊंगी, मशीन में गंदी रह जाती है। शर्ट मशीन में धुलेगी? हाथ से धुलेगी। 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 चुप करो, मैं शर्ट आज धुलवाता ही नहीं, कल धुलवाऊंगा, जाओ दोनों। पर मैं दर्द करके रख दिया, पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों दादाजी, कैसी हो रही है सेवा? भाई वैभव, सेवा बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम, इसे थोड़ी सी भाई कम करवा, सिर में दर्द बढ़ रही है ज्यादा सेवा। दादाजी जब तक मैं हूँ तब तक आप मजे लेते रहो। चल मेरे बेटा वैभव, जब तेरी यही इच्छा है कि मैं मजे लेता रहूं तो कोई बात नहीं, मैं मजे ही लूंगा। अरे सुन तो, अनीश ने क्या गेम खेला पता नहीं रहा मुझे, पर चलो मेरी खुशी के लिए ना कुछ तो करा,
जो करा अच्छा ही करा। दादाजी कहाँ रह गए, जल्दी आओ। दादाजी दादाजी कहाँ रह गए, जल्दी आओ दादाजी। अरे बेटा वैभव, आज फ्रूट वो खा लेते हैं। पापा रखो। बेटा नहीं रख रहा। बेटा रखो। अरे नहीं रख रहा। मम्मी। अरे बेटे तूने तो मुझे डराई दिया। पापा ये आपका नहीं है, दादाजी का है। क्या हुआ बेटा? मम्मी पापा दादाजी के फ्रूट खा रहे हैं। अजी आपको फ्रूट खाने हैं तो अंदर खा लो ना, इन्हें क्यों खा रहे हो? वाह भाई वाह, आजकल तो पिताजी के फ्रूट अलग रख रहे हो, जो तुम कल तक उन्हें पानी तक ना पूछ रहे थे, अब फ्रूट आ रहे हैं उनके लिए। मम्मी पापा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अंदर चले जाओ। वाह भाई वाह, दादाजी के चमचे, अब तो पिताजी को भी भूल गया। ले बेटे हम तो चले जाएंगे, चलो। दादाजी को जल्दी आओ। अरे दादाजी कितनी देर लगाती, अभी आपके सारे पापा जी खा जाते। अरे बेटा मैं नहा रहा था ना, तुझे तो पता है, है? कि मैं 8 दिन में एक बार नहाता हूँ। दादाजी अपनी सेहत का ध्यान रखो। अरे बेटा वैभव इधर आ, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, है? काश हर बाबा को तेरे जैसा पोता मिल जाए तो इस दुनिया के सारे बाबा खुशहाल हो जाएं, दोबारा से उनके अंदर जवानी आ जाए, हैं? मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा हर बाबा को तेरे जैसा पोता दे, ठीक है? अब तू भी खा फल और मैं भी खाऊंगा, बैठ चल। नमस्कार दोस्तों, मैंने और दादा ने और पोता ने आज बहुत मेहनत करी थी, हमारी वीडियो वीरियल हुई है, इसलिए हमें हमारे काफी सिल्वर प्ले बटन मिला था। 2 पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।